अरे भैया अपना ये मेरे नीले वेस्टकोट में ये हरे रंग का बटन जानबूझ के लगाया है या इसमें भी कोई अल्लाह की मसलहत पोशीदा है? वाह, अम्मा की नजर कमजोर हो गई है। उनको रंग में फर्क नहीं नजर आया होगा। दुकान में टंगा हुआ जोड़ा तो उन्हें 1 मील से नजर आ जाता है, हैं? और उन्हें ये नजर नहीं आया। हाय हाय, ये ले। ये मिठाई किस खुशी में? शुएब पास हो गया। अरे पास हो गया वो निखट्टू भाई, हमारे मुल्क का निजामे तालीम भी बस अल्लाह की पनाही है। लो भाई ये खुशी भी हमें अपनी जिंदगी में देखने मिली गई। अब्बा हम कोई घर में मिल चलाते हैं। ये देखना, ये बिजली का बिल है, ये पाकिस्तान का सालाना बजट। अब्बा सही कह रही हैं, 56,980 रुपए। 56,980? ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा। देखना मुंह से झाग तो नहीं निकल रही। आप कब कब आ क्यों रहे हैं? तसल्ली रखे, ये ठीक हो जाएगा। अरे कुछ होने वाला नहीं है, अल्लाह मियां अपना फैसला बदल सकता है, अदालत मौत का फैसला बदल सकती है, मगर ये बिजली वाले, अरे ये तो कलम तोड़ देते हैं बिल बनाने के बाद, फलक में डाल के हाथ पैसा निकाल लेंगे हमारे। अब्बा कोई तो जगह होगी ना जहां हम जाके ये बिल चेक करा सकते हैं। अरे बेटा ऐसी कोई जगह नहीं है, तुम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे तो वो तुम्हारी सुन लेगा। अमेरिकन एम्बेसी में अपने वीजा के फॉर्म दोगी तो वो भी टप्पा लगा देंगे, मगर ये बिजली वाले, अरे अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, ये तो बहुत जालिम लोग हैं भाई। रऊफ अली का तो घर बिक गया, उसके घर में गेट के ऊपर से 70 लाख रुपए बिल डाल गए और उसके बाद ट्रक लेके पहुंच गए। ट्रक में लाद कर गए थे 70 लाख? और ट्रक में नहीं लाद कर गए थे, बिजली काट के चले गए उसकी। आपको पता उसका पूरा घर बिक गया बिजली का बिल देने में। वो तो बेगम उसकी गैरतमंद थी, देखते ही धाएं से मर गई। मजाल है इन बिजली वालों ने अपना बिल चेंज किया हो। ए, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, सब पानी लेकर आना, कुछ हो रहा है मुझे। अच्छा खैर, आपको अभी कुछ नहीं होगा, आप इससे पहले बड़े बड़े मरहलों से गुजर चुकी हैं बड़े आराम के साथ। मैं आपको बता रही हूँ, अगर एक और बिल ऐसा आया ना घर पर, तो घर पर चांदनियां बिछवा लेना अपने लिए। फिर मुकरजी क्या हो गया है? अच्छी खासी कमीज क्यों फाड़ रही हो? वैसे भी आजकल लंबी कमीजों का फैशन है। तुम्हें क्या मसला है? मैं इस पे तकिए का गुलाब काट के सी दूंगी। ओ हेलो, क्यों सड़ी हुई हो? बिजली का बिल आया था, अम्मी पढ़ के कमरे में बैठ गई हैं, हाय हाय कर रही हैं, बीपी भी हाई हो गया, पसीने से भर गई हैं। अरे तो जरूरत ही क्या थी बिल दिखाने की? खुद ही लेने चली गई थी गेट पे, हमें क्या पता था 56,000 का बिल आएगा। क्या 56,000? पागल वागल तो नहीं हो गई हो तुम? पागल तो बिजली वाले हो गए। एक बार अम्मी को ले जाके इनके दफ्तर छोड़ दो, देख लेना हाय हाय करके पूरा दफ्तर सर पे उठा लेंगी। ठीक है चुप। वाह क्या सिलाई लगाई है। ओए बुड्ढी घोड़ी नो लगाम, ये लो समोसे का। बुड्ढी क्यों बोलते रहते हैं आप? अरे उम्र की वजह से थोड़ी कहता, पर्सनालिटी की वजह से कहता। शक्ल देखो, खुलिया देखो, किसी अम्मा से कम है? अरे आहिस्ता, माना अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए हैं और एक एक करके भी तो समोसा खाया जा सकता है ना, हैवान बनने की क्या जरूरत है? भूख लग रही है। तुम्हारी अम्मी जो सड़ी हुई मिठाई लाई थी ना, हमने मास्टर को दे दी। बहुत अच्छा किया, वैसे भी तुम्हारा मुंह देख के बार बार मुंह मीठा कराने का कोई दिल नहीं करता। और तुम मिठाई खा लेना, वरना मैं बाहर ले जाके तुम्हें फ्रेश मिठाई खिलाऊंगा। इंजीनियरिंग ही तो किया आपने, कौन सा कोई बड़ा काम किया, और मैं नहीं खाती कोई मिठाई विठाई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा, हम कॉफी पिए। कोई शर्म नहीं आती है मुझ पे लाइन मारते हुए? और आप ही आप बड़ी डिटाई से हंस रही हैं।
फिल्म आ गई। तुम इसे छेड़े हो या सीरियस हो? अरे मैं तो बहुत सीरियस हूँ। एक बार जॉब मिल जाए तो फिर अम्मी से बात भी कर लूंगा। ये कारनामा आपने कब सर अंजाम दिया? नमको से वजन ही बढ़ता बा। ये चांद कब चढ़ाया तुमने? खुदा की कसम आपी, इंसान की बच्ची लग रही हो, घर में ऐसा हुलिया बना के नहीं रह सकती। तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम टीवी पर शो कर रही हो और तुम क्या समझ रही थी हमें पता नहीं चलेगा? पागल हो गई हो तुम, मैं और टीवी पे। मुझसे तो झूठ ना बोलो। क्या है? रुक जाओ, अभी दिखाती हूँ। क्या हो गया बे? ये देखो। Yes, ladies and gentlemen, जब भी कोई नई फिल्म आती है तो पिछली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देती है। Yes, I am talking about none other than रणबीर कपूर। मिस ना कीजिएगा। पापी, तुम रणबीर कपूर से मिलने वाले हो? हाँ? मैं मरना चाहूँ कि मैं रणबीर कपूर से मिलूं। ये तो रणबीर हो गई हूँ, मैं ये नहीं हूँ। यार आपी, कम से कम मुझसे तो झूठ ना बोलो। ना अम्मा को एतराज है ना अब्बा को एतराज है, वो दोनों खुश हैं। लोग अंधे हो गए हो। ये देखो, ये इसका नाम सबाहत है। ये कोई हद को ही कर देने से शक्ल नहीं बदल जाती है। लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये सब काम होते कहाँ है। लेकिन ये प्यारी है। आपी, सच हो या झूठो, मुझे रणबीर कपूर से मिलवा दो। कहाँ से रणबीर कपूर से मिलवाऊँ? मैं ये नहीं। इसकी शक्ल तुम्हारे जैसी है। मैं ज्यादा प्यारी हूँ। लेकिन हाँ, क्या 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 प्यारी? अच्छा खैर, जो भी है, सच हो या झूठ हो, बस तुम एक बार श्वेत की अम्मा का बैंड बजाने के लिए बन जानो, बड़ा सवाब मिलेगा खुदा की कसम। नहीं, चलो नहीं, नहीं, यहाँ बैठो, चलो नहीं, अरे बैठो, मुंह खोलो, अरे चलो ना, लेट्स सी। अरे मुझे तो हमेशा से श्योर था कि हमारी सगोई में बड़ा टैलेंट है। थोड़ी सी। अरे मगर टीवी पे कौन सा दिखता है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वैसे एक बात है, बंदे को ना इतना भी सीक्रेट्स नहीं होना चाहिए। अपने खाना तक को नहीं बताया और इंडिया का चक्कर लगा के आ गई। मुझे बता के जाती तो 4-5 साड़ियां ही मंगा लेती ना। अरे आप ही तो आपसे पूछने आने ही वाली थी, क्या आप करोड़पति बनना चाहेंगी?
क्या मतलब? वो अमिताभ बच्चन की टीम आ रही है ना यहाँ पे, तो आप ही को काम दिया है लिस्ट बनाने के लिए। और पता है क्या, आप ही ने लिस्ट में सबसे पहले आप ही का तो नाम लिखा है। वो इसलिए कि आप इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए। वरना तो अमिताभ बच्चन के सामने अच्छे अच्छे की आवाज नहीं निकलती। थैंक्सफुल अमिताभ जी। अब बातों में भूल गई, ये बरंजल्स का भुर्ता। थैंक यू। चलो आ जाओ मिलके खाते। और मुझे बताओ कि कौन कौन आ रहा है अमिताभ के शो में। मंगन, क्या चक्कर चलाया तूने? जब मैं चक्कर चलाऊंगी ना तो यूं घर से भागूंगी, वक्त नहीं मेरे पास जाया करने के लिए। ओ यूं? तुम्हारे रोमांटिक प्लान के बारे में नहीं पूछा है मैंने, वो टीवी शो का पूछ रहा हूँ। वो क्या चक्कर चला? वो मैं नहीं हूँ, मेरी शक्ल की कोई और है। तभी तो मैं भी सोचूं तू और टीवी। पर मेरी माँ को क्या पट्टी पढ़ाई, वो कब से पता नहीं कद्दू का सूप बना बना के पिए जा रही है, पिए जा रही। कद्दू का सूप अच्छा होता है, 40 दिन पिएंगी ना तो सेट हो जाएंगी। तुम्हें पता है दिमाग में और जिस्म में इनका सारी पैदा करता है। क्या बकवास है, तो मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो... क्या इंजीनियर तुम बने हो, दिमाग तुम्हारी अम्मा का खराब है। तुम भी जरा जम के कद्दू का सूप पियो, देखना तुम्हारा जिस्म तुम्हारा दिमाग सेट हो जाएगा। ओ, कभी खुद को देखा शीशे में? जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे कंकर नहीं मारते। तुम मत फेंको कंकर। अच्छा जलेबियां तो दो। दो। एक आधी तो दे देती। भला आपने कभी ये सुना कि बिजली वालों ने किसी को अपने दफ्तर में बिठा के चाय पिलाई हो और उसके बाद केक भी खिलाया हो? बिल कम करवाने भेजा था, वो करवाया है या केक खाकर आ गए हैं? मुझसे कहने लगे कि अल्लाह के कामों में दखल दिया नहीं जा सकता। भैया बिल तो आसमानों में बनते हैं। बस एक साल के हमारे बिल की किस्तें की, चाय पिलाई, केक खिलाया, और वो सीढ़ी वाली गाड़ी जो है उनकी ट्रक, उसमें बिठाए घर छोड़ गए। ट्रक में लहरा के दिल खुश कर दिया आपका, पर किस बात की किस्ते में एक पैसा नहीं दूंगी। एक बात और भी की उन्होंने, कहने अगर आप कभी प्रियंका चोपड़ा से मिलवा दें तो सारी जिंदगी बिल नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम। आप तो आंधी की तरह आती हैं और मट्टी की तरह फैल जाती हैं। 2 हफ्ते की बात है भाई साहब, आप मुझे 2 हफ्ते के बाद देखिएगा। अरे मॉर्निंग की विंड की तरह से आऊंगी और फ्लावर की खुशबू की तरह से फैल जाऊंगी। फैली तो तुम पहले से काफी हो, ये बताओ ये मिठाई क्यों लाई हो? देखो जरा, ये भाई साहब ने ना मुझे बातों में लगा लिया। अरे मैं तो भूल ही गई, वो शहबाज की अम्मी है ना, उन्होंने मिठाई का डब्बा भेजा है, अपने सबूई का रिश्ता लाना चाह रही थी। शहबाज की मंगनी पहले नहीं हो चुकी? हाँ मैंने भी यही कहा था, तो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम यस कर दो ना तो वो अंगूठी वापस भेज देंगी। तौबा तौबा, शर्म करो राबिया, ये वापस भिजवाओ। खाला के साथ शुएब भाई का चार डालेंगी क्या कि जाकर शादी कराएं, अजीब शहबाज का रिश्ता ले आएं। जब तक शुएब अपने मुंह से खुद नहीं बोलेगा ना, वो उसकी शादी नहीं करवाएंगी। वो ना बोले तो बेटर है, मजाक मजाक में मेरा नाम ले लिया तो मैं तो मार ही गई। मजाक मजाक में तो वो अब भी कहता है कि तुमसे ही शादी करेगा। गला ना घोट दूं उसका और उसकी थैंक्सफुल मां का, जीप जहर लगते हैं मुझे। अम्मी
आप यहाँ आगे हमें बुला लेती, हम आ जाते हैं। नहीं, अंदर बहुत हब्स हो रहा है। मैंने कहा बाहर अच्छी हवा चल रही है, यहीं चाय पी लेते हैं। अरे दुनिया तो दीवानी हो गई है, तुम्हें पता है आज राबिया के हाथ शहबाज की अम्मी ने रिश्ता भेजा। मैंने फौरन इनकार कर दिया, कहा उसे मिठाई ले जाओ। और फिर तुम्हारी फूफी का फोन आ गया अचानक, इतना लाड, इतना प्यार, ऐसा लग रहा था इतनी तड़प रही है कि फौरन जहाज पकड़ के आ जाएंगी यहाँ पर। तो आपने बताया क्यों नहीं कि मैं वो औरत नहीं हूँ? इतना सदके वारी जा रही थी, मैं कहते कहते ही रह गई। वैसे एक बात है, सबाहत और आपी की शक्ल बहुत मिलती है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो दोनों एक नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसी बहाने कोई अच्छा रिश्ता आए तो मैं इसकी फौरन शादी कर दूँ। क्या मतलब, किसी को गलत फहमी होगी तो आप झूठ बोलेंगी, उसे दुरुस्त नहीं करेंगी? बेटा तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारी शादी करूंगी तो छोटी का सोचूंगी ना। अब खुदा के लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो नखरे मत दिखाना। ये पकड़ो। अरे चाय तो पीती जाओ, शर्मा गई। चाय पिया। तुम समझाती क्यों नहीं उसे? समझाती हूँ अम्मी, आप ही सुनती कहाँ है किसी की। मम्मी क्या चाह रही है, मैं झूठ बोल के शादी करूं? पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अम्मी चाह क्या रही हैं। खैर जो होगा देखा जाएगा। आमना, आमना मुंह से कुछ बोलोगी भी? नहीं कुछ नहीं। अरे बोलो। शुए बंधा है क्या? आंखों से अंधे का तो पता नहीं, लेकिन अकल से जरूर अंधा है वो। फिर तुम क्यों पूछ रही हो ऐसे? बताओ भी। मैं जा रही। अरे रुको, बताओ तो सामने का भी। शुएब भाई अच्छा सुनो, रुको। अरे सुनो 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 मेरी बात। अगर तुम्हें शुएब भाई से अपने दिल की बात बोलनी है तो मुंह फाड़ के बोल दो, वरना अम्मी तो ठान चुकी हैं तुम्हें सबाहत की टोपी पहनाकर किसी और के साथ रुखसत करनी, समझी? चलो। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, हम गुफ्तगू में हैं रणबीर कपूर के साथ। अरे देखो जरा कितनी टैलेंट्स वाली है, किसी को पता ही नहीं चला। अरे किसी और को पता चले ना चले, आपको पता चला कि नहीं? अरे मुझे तो ऑलवेज से पता है कि बहुत नाइस गर्ल है। अच्छी लगी आपको? नाइस लगी, नाइस। तो चलाएं क्या, बात चलाएं शादी की? हेयर टू मी, सबाहत जैसी है सबाहत है नहीं। दुनिया बेवकूफ बनती है तो बनती रहे, ना मैं बनी हूँ और ना मैं बनूंगी और ना मैं बेवकूफ हूँ। हाँ हाँ वही तो, मैं भी यही सोच रहा था। इनफैक्ट मुझे तो पता है कि पूरी दुनिया बन सकती है बेवकूफ, लेकिन आपको भी बन सकती है। आप तो खुद इतनी इंटेलिजेंस है ना, और मैं भी इसलिए आप पे इतना प्राउड होता हूँ। सच अ गुड मदर यू आर। आपी खाने में क्या पका है? अंडे आलू। उफ अल्लाह, आपी कितनी खौफनाक लग रही हैं आप, जाकर अपना हुलिया ठीक करें। पंखे साफ करते हुए मेकअप करूं मैं? तुम पंखों की सफाई करो या ना करो, हर हाल में खौफनाक लगती हो। मैं बस ऐसी हूँ। एक तो जब भी तुमसे हुलिया ठीक करने की बात करो इतना सड़ क्यों जाती हो? मैं ऐसी हूँ और हमेशा ऐसी ही रहूंगी। दिमाग तो तुम लोगों का खराब है, तुम सब ना मुझे उस बात का पोस्टर बना के बाहर गेट पे चिपकाना चाहते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सिर्फ ये चाहते कि अब अगर कोई लड़के वाले देखने आए तो कम से कम तुम ऐसे भंगन बन के सामने ना आ जाओ। भंगन होंगे तुम्हारे होते सोते,
अगर कोई लड़के वाला आया ना तो मैं तो ऐसे ही सामने आऊंगी। अगर मैं आई तो भंगन भंगन भंगन, बड़ी बहन का कोई लिहाज ही नहीं है। भंगन, एक तो सच बोलो कि हर किसी को कड़वा लगता है। क्या वो आमना से झगड़ा हुआ है या मामा ने डांटा? अब मुझे हॉस्टल क्यों नहीं भेज देते? इसलिए बेटा कि अगर हमने तुम्हें हॉस्टल भेज दिया तो हमारा तो घर सूना हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आपके पास आमना है ना। वो तो बेटा आधे से ज्यादा दिन वैसे ही यूनिवर्सिटी में गुजार देती है, और फिर तुमसे अच्छी चाय थोड़ी बना सकती हो। मेरे जैसी भंगन भी नहीं है वो। मेरी जान, तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे बाबा इस भंगन से कितना प्यार करते हैं। अच्छा बताओ, चलो हुआ क्या है? कुछ नहीं, जब से उन्होंने उस टीवी वाली को देखा है ना, मेरे पीछे पड़ गई है। आईब्रोज बनवाओ, कपड़े ऐसे पहनो, मुंह धो, मेकअप करो। मैं पहले भी तो ऐसी थी, ये लोग अंधे थे या इनको फिक्र नहीं थी मेरी? नहीं नहीं बेटा, बात यह कि जब से उस टीवी वाली को देखा ना तो उन्हें यह लगा कि हमारी भंगन भी इतनी प्यारी हो सकती है जितनी है। उनसे बात करें, इन्हें समझाएं कि मैं ऐसी थी, मैं ऐसी रहूंगी। मेरा अगर कोई रिश्ता नहीं आया, शादी नहीं हुई, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पर तो नहीं मैं बोझ बनूंगी। अच्छा, किसी ने क्या कह दिया है? मेरी जान, रोना नहीं है। अच्छा रोना नहीं है, मैं सबकी पिटाई लगाऊंगा, डंडे से पिटाई करूंगा। अच्छा, वो समझते हैं मेरी बेटी? बोलो बेटा मेरा, बोलो सोना 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 से बंधन। नाराज नाराज। यक, कितनी बदबू आ रही है। तुमने फिर से वो अपना बदबू वाला तेल लगा लिया। अब 3 दिन तक खुद तो आराम से सोगी और मेरी नींद खराब होगी। खुद भी लगा लो, सब कबूतरी की तरह तुम गंजी हो रही हो, सारे बाल झड़ गए। दूं तुम्हें? अभी जाओ और जाकर शैम्पू करो। नहीं, मैं शैम्पू नहीं कर सकती, इसे सारी रात लगा के सोना पड़ता है। जाके अम्मी के साथ जाके सो जाओ, मुझे ना तंग करो। जिद्दी भंगन तुम खुद। अल्लाह करे तुम्हारी उस गंजे शहबाज से शादी हो जाए, अल्लाह करे तुम्हारी उसके बुड्ढे बाप से शादी हो जाए। मैं सब बदतमीजी नहीं कर रही, मेरे पास बदतमीजी खबरदार गंजी कहीं की। गंजी गंजी, ये बदबू वाला इतना मारो कि बदबू वाला तेल तुम लगा तो तुम गंजी ना, मेकअप लगा तो प्यार नहीं होता। निकल यहां से, भागो, हर वक्त तंग करती रहती है बदतमीज औरत। पागल भंगन भंगन। मैं तो खुशी से सोई ही नहीं जब राबिया आपा ने मुझे बताया कि सबाहत की कहीं बात तय नहीं हुई। वो सबाहत नहीं है वो। अरे बुलाइए ना उन्हें, हमसे सबर नहीं हो रहा मजीद। आमना अभी आती है, आप चाय लीजिए। जी जी। आप ही? अरे भाई आप ही चलो, वो लोग वेट कर रहे हैं। वो मुझे नहीं, सबाहत को देखने आए। अरे भाई अम्मी उनको बता चुकी हैं तुम सबू ही हो, सबाहत नहीं। फिर वो ये देखने आए हैं
कि मेरी सबाहत से शक्ल कितनी मिलती है। तो देख लेने दो बेचारियों को, वैसे भी बड़ी दूर से आई हैं। टिकट ना लगा दें चिड़ियाघर के मुमताज महल की तरह। आधी इंसान आधी मछली, आइए आइए देखिए देखिए। फलापी तुमसे तो बहस करना भी बेकार है। सही कहते हैं लोग, अगर शक्ल अच्छी ना हो ना इंसान की तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। अब चलो भी वेट कर रहे हैं सब। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो वेट कर रहे हैं। भागो अम्मी, भागो, अम्मी को बना के आती हूं। तो बहस की शक्ल नहीं चाहिए। अब तेरा मुसम ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया। सारी उम्र घर में बैठ के किसकी रोटियां तोड़नी है तुमने? तुम्हारा बाप कोई आबे हयात पीकर पैदा नहीं हुआ और ना मैंने कोई कयामत तक जिंदा रहना है। तो मैंने कौन सा कयामत तक जिंदा रहना है? आप लोग जाएंगे, मैं भी तो बट्टा ओढ़े चली जाऊंगी साथ। क्यों हमारी जिंदगी अजाब बना रही हो? वो औरतें मुझे देखने नहीं आई थी, वो औरतें सबाहत को देखने आई थी। तो वो मेरा मसला था, मैं कौन सा तुम्हारा हाथ उनके हाथ में देकर अभी रुखसत कर रही थी? रहने दे अम्मी, इनके हाथ में और बकरों के गानों में बहुत फर्क है। और ये पसर के दरवाजों में एक जाए तो चौखटे तुड़वानी पड़े। आइंदा इसको ठीक तरीके से तैयार करके मेहमानों के सामने लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी, समझी? अम्मी मैं अकेले कहां कर पाऊंगी? इनका हुलिया ठीक करना दीवार पे चूना लगाने के बराबर है। ये आमना इतना गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रही थी? ये तुम मेरे घर की दीवार के साथ अपने कान लगाए क्यों बैठे रहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर पूरा मोहल्ला ताक लगाए रहता है तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। हसीन जो हूं मैं, अल्लाह की शान है। वैसे आजकल ना सारे नमूने ही हिट हो रहे हैं। लो तुम भी शुरू हो गए, औरतें तो पागल है भी, अब तुम भी। वाह, यू नो एक बात याद आई मुझे। याद है वो एक दिन तुमने मुंह धोया था और बाल भी थोड़े सबाहट टाइप बनाए थे? उस दिन वैसे अच्छी खासी इंसान लग रही थी तुम, अच्छी लग रही थी। तो फिर एक काम करना था, मेरी एक तस्वीर खींच के उसे एक फ्रेम में लगा के अपने कमरे की दीवार पे लटका देना था, क्योंकि आइंदा ऐसा नहीं होने वाला। अभी मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ जो तुम्हारी तस्वीर में अपने कमरे की दीवार की मैं आमना की तस्वीर लगाऊंगा, वो भी शादी वाली। इसके दूल्हे से पूछ लेना, मारेगा। और तुम ना आधे घंटे से मेरे घर पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ जो है ना मेरा दिमाग खा लेगी, कयामत की मुंशी की तरह एक एक मिनट का हिसाब लेती है वो। चल भागो यहां से। ओ, एक्चुअली मेरी अम्मा तुम्हारी अम्मा को लेके गई है तुम्हारे लिए लड़का दिखाने। खुदा के लिए अपनी माँ से जाके कहो कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, मेरी प्यारी माँ को मत पगलाएं। वो एक्चुअली उनका मानना यह है जब तुम इस घर से दफा हो जाओगी कि तुम मेरी और आमना की बारी आएगी। चाय पी लीजिए। थैंक यू। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये राबिया को सबूही से क्या मसला है? वो चाहती है कि सबूही की शादी हो जाए, चाहे किसी काले चोर से हो जाए। वो दरअसल अपने बेटे को बचाना चाहती हैं। अगर आप उन्हें यकीन दिला दें
कि आप अपनी बेटी को कुएं में धकेल देंगी लेकिन उनके बेटे से उसकी शादी नहीं करेंगी। सब ठीक हो जाएगा। कहां ले गए थे आज आपको? लड़का देखने। कैसा लगा? 35 साल की उम्र है, पहली शादी से एक बेटी है। रोशन, सुबुही में आपको कोई ऐब नजर आता है? नहीं। तो फिर क्या? आप एक शादीशुदा शख्स के साथ उसकी शादी क्यों करना चाहते हैं? उसकी बीवी 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गई, इसमें उसका क्या कसूर है? मुझे तो बहुत शरीफ लोग लगे हैं, पढ़े लिखे सुलझे से। लड़के का जाती कारोबार है, गाड़ी मकान सब कुछ है, माँ भी बड़ी अच्छी है, पढ़ी लिखी है। लेकिन उसकी एक बेटी भी तो है। मैंने कौन सा हाँ कर दिया, बस मिला ही हूं उसे। वैसे सबूरी से बात कर लूंगी, अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। क्या नाम है उस लड़के? अब्दुल्ला। चाय पी ले। गया है मुन्नी के अब्बा से मेरी शादी तय हुई है, तुमने क्यों मुंह बनाया हुआ? तुम्हारी भी नहीं होने दूंगी। आखिर ये राबिया खाला के साथ मसला क्या है, किस बात की मौत आ रही है उन्हें? यार वैसे अम्मी काफी तारीफ करी थी मुन्नी के अब्बा की, कह रही थी उसका इतना बड़ा घर है नॉर्थ आजमाबाद में और गाड़ी भी बहुत बड़ी है। अच्छा, तुम्हें घर गाड़ी सब दिख गया, उसकी इतनी बड़ी बेटी नजर नहीं आई? आमना, इस भंगन को कोई तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा ना। ना आपको खुद पे तरस खाने की जरूरत है, ना मेरा दिल जलाने की। जाओ जाके दरवाजा खोलो। मैं क्यों जाऊं? मैं जाती हूँ, अच्छी लगूंगी। जाओ। जल्दी आओ। आओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम जी। आइए आइए आइए। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ये मेरे बेटे हैं अब्दुल्ला। माशाल्लाह। वालेकुम सलाम बेटा। आओ बेटा। आए आए अंदर आए। आपको घर आसानी से मिल गया था? आइए, ये मेरी छोटी बेटी है, बड़ी वाली अंदर है। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। आइए। आओ बेटा। आप ही उसे देखकर तो किसी का भी मुंह फटा रह सकता है। मैं तो ये सोची थी राबिया खाला को कहां से मिल गया ये। बात ये नहीं है कि वो कहां से मिला, बात ये है कि अगर वो इतना अच्छा है तो उसे दूसरी क्यों नहीं मिली? भाई उसकी मुन्नी की वजह से, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी दादी भी अच्छी खासी ठीक ठाक है, वो भी तो पाल लेंगी उसे। वाह, शादी अब्बा करे और बच्ची को पाले उसकी माँ, बड़ी खुदगर्ज हो तुम। चलो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना, कम अज कम मैं अभी जाकर अम्मी को बोलती हूँ कि आप ही राज। नहीं नहीं रुको, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। अच्छा
तुम दीवानी हो रही हो, ऐसा कुछ मत कहना। सबूही चाय ले आओ। जी आई अम्मी। जाइए जाइए, आप ही का वेट हो रहा है। ऊपर गिराऊंगी। जल्दी करो। छोटे रेलवे स्टेशन मुझे बहुत पसंद है, मैं पूरा बलूचिस्तान ट्रेन पे घूमा। माशाल्लाह, इनके अब्बा रेलवे में थे ना, तो बलूचिस्तान के जो पावर प्लांट्स हैं वो उनके अंडर आते थे, तो वो जब भी बाहर जाते थे हमें साथ ही ले जाते थे। अच्छा। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? ये छोड़ दो, मैं बनाती हूँ, तुम छोड़ दो। अब्दुल्ला जी, चीनी कितनी लोगे? बस एक चम्मच। झूठे, सुबह तो दो पी रहे थे तुम। दो ही डाल देती हूँ, तकल्लुफ मत करो जी। बेटा आपने मास्टर्स क्यों नहीं किया? वो यूनिवर्सिटी घर से दूर बहुत है, तो आने जाने में टाइम बहुत लगता है। अच्छा, अच्छे लगे मुझे वो लोग। आपने उनको सना के बारे में बता दिया है? सबसे पहले ही बता दिया था सना के बारे में, सना से मिलना चाह रहे थे वो लोग। हाँ ठीक है, उन्हें किसी दिन घर पे इनवाइट कर लें खाने पे। अब वो लोग तो नहीं आएंगे ना अपनी लड़की लेके हमारे यहाँ, हम ले जाएंगे सना को मिलाने के लिए उनके घर। ओके। शादी के कार्ड पे ना कैपिटल लेटर्स में लिखवाना कि हमारी भंगन की शादी एक बच्चे के बाप उर्फ मुन्नी के अब्बा से तय पाई है। आपकी शादी तो नहीं हो रही ना, फिर आप किस बात के लिए पागल हो रहे हैं? देखो माना, मैंने माना कि इसको उठने के बैठने की खाने की पीने की पहनने की सहने की तमीज नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग उसकी शादी को लेकर इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। जब तुम अकलमंद हो नहीं तो अकलमंदों वाली बातें क्यों कर रहे हो? आने वाली बात, अकलमंदियां बेवकूफी कहां से आ गई? तुम एक बच्ची के बाप से शादी करने का सोच रही हो, पागल हो गई हो तुम? तो तुम इसे कॉम्प्रोमाइज समझ रहे हो? देखो मैं समझ रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर रही हो, पर मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, इस वजह से तुम्हें ये कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, है ना? रहने दे आप ही, इससे बहस करना बेकार है, वैसे भी इसकी अम्मा से खाकर भेजती हैं इसे। अरे मेरी अम्मी मुझे क्यों सबक सिखाएंगी, इनका ये शहजादा मेरी अम्मी जी ने ही तो ढूंढना है। एक सेकंड, मुन्नी के अब्बा से शादी करें या उसके दादा से, ये हमारा मसला है आपका नहीं। आप जाएं अपनी अम्मा की गोद में जाके सो जाएं। चलें आप भी। आप भी जाएं, जाके कुएं में कूद जाएं। Why wakes up? क्यों खामखा में हर वक्त गलत अंग्रेजी बोलती रहती हो? अरे गलत सलत बोलूंगी तो एक दिन ठीक भी बोलूंगी, ये बताओ तुम क्यों परेशान लग रहे हो? पता नहीं मुझे जॉब कब मिलेगी। अरे मिल जाएगी, कुछ दिन आराम कर लो, वैसे भी 6 साल के बाद पढ़ाई से जान छूटी है तुम्हारी। मैं ना अभी सोच रहा था कि आगे पढ़ने के लिए ना मैं यूके चला जाता हूँ। मैं कोई भाड़वाड़ नहीं भेजूंगी तुम्हें, अच्छी जगह जॉब हो जाएगी तो किसी अच्छी और अमीर लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगी। हाँ ये शादी कराने वाला काम तो आपने पहले शुरू कर ही दिया है, हैं सबूई की शादी तय करके। आई नो, सबूई की किस्मत गुड है। अच्छा, एक बच्ची के बाप से उसकी शादी तय कराई है आपने, पर आप कह रही हैं कि उसकी किस्मत गुड है, तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करती हैं, मेरी शादी किसी 5-6 बच्चों की अम्मा से तय करा दीजिए, मेरी किस्मत तो वेरी वेरी गुड हो जाएगी। अरे सबूरी को देखा है तुमने, आम सी शक्ल की लड़की है वो, और तुम में किस चीज की कमी है?
वैसे भी वो खुश रहेगी, अमीर लड़का है वो, और वैसे वो हैप्पी है तो तुम्हें क्यों पेन्स हो रहे हैं? वाई? मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, पर कल को अल्लाह ताला जब आपसे हिसाब लेंगे ना तो आपको बहुत पेन होगा, याद रखना। आओ बैठो। आप हैरान हो रही हो क्या? थोड़ा थोड़ा। वो क्यों? मेरे पास चॉकलेट का सिर्फ एक ही डब्बा है और आप दो हैं। चॉकलेट्स तो आप सिर्फ सबूही के लिए लाए हो और वो तो एक ही हैं। आप दोनों में से सबूही कौन है? ये तो आपको गैस करना पड़ेगा। बता देना प्लीज, कंफ्यूज हो रही हूँ। अगर मैंने बता दिया तो सारी चॉकलेट सबूही को मिल जाएंगी। नहीं, चॉकलेट्स में सारी आमना को दे दूंगी। आप सबूही हैं? जी मैं सबूही हूँ और ये आमना है। मैं सना अब्दुल्ला हूँ और मैं क्लास 4A में पढ़ती हूँ। चले आज हम चॉकलेट का डब्बा खोलते हैं। अरे वाह, थैंक यू। मैं वैसे मोटी हो जाऊंगी लेकिन मिलके खाते हैं। हाँ, कहाँ से खुलता है? कोई बात थी उसमें जो बहुत डिस्टर्बिंग थी, और उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल आर्टिफिशियल, जैसे गायब हो जाती। क्या एक्सपेक्ट करती हो यार, चारी की माँ मर गई। जब वो एक्सीडेंट हुआ तो वो वहां उनके साथ ही थी। मैं बड़े सदमे से, पता नहीं शायद सारी जिंदगी ना रिकवर कर पाए बेचारी। काफी दिल दुखाने वाली सिचुएशन है। आप ही शेख भाई, तुम्हें थोड़े सड़े हुए नहीं लगे? हाँ, वो किसी बात पे गुस्से में था। इसी बात का गुस्सा होगा कि आखिर तुम्हारी शादी की बात क्यों हो रही है। खैर, मैं सो रही हूं। वो बच्ची आई थी सबूही से मिलने? हाँ जी आई थी, बहुत मासूम और प्यारी सी बच्ची। मासूम शक्लों में मत जाया करें, आपने भी कितनों कान काटे हैं। हमारी शजरे की किताब में सबके नाम दर्ज हैं। आपके खानदान वाले थे ही इस काबिल। मुझ मासूम को तीसरे दिन जो खीर बनाने के बहाने किचन में धकेला, आज तक नहीं बाहर निकली। उनके तो गले काटने चाहिए थे, शुक्र करें कान तक की बात पहुंची। अच्छा, वो सुमित का क्या इरादा है? उसका इरादा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो हाँ कहने वाली हूँ। आपकी शादी को बहुत अरसा हो गया है, अब किसको हाँ कह दिया आपने? मत याद दिलाया करें मुझे वो दिन। अब भी सोचती हूँ तो दिल में टीस सी उठती है अपनी हिमाकत पर। अबू ठीक ही कह रहे हैं, है ना? बच्चों का पता नहीं चलता, इसलिए आप प्लीज आप ही को सना से मिलने दें, ताकि वो अंदाजा लगा सके कि वो उनका गुजारा हो भी सकता है या नहीं। सना सिर्फ सबूही की जिम्मेदारी नहीं होगी, उसकी दादी और अब्बा है ना ख्याल रखने के लिए। हाँ, लेकिन आखिर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप ही की ही है, क्योंकि आप ही को ही सारी जिंदगी गुजारनी। प्लीज जल्दी मत कीजिएगा। हम जू भी जा सकते हैं, हम बीच भी जा सकते हैं, हम किसी पार्क भी जा सकते हैं, लेकिन आप बताइए आपको कहां जाना है।
बाबा हम घर पे भी तो रह सकते हैं। हम घर पे भी रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा। दादी माँ के साथ मिलकर मैश पोटैटोस और बॉयल्ड एग्स। नाइस, और मैं सैलेड बना लूंगा। ओके। बाबा जब हम इतना सब कुछ खुद ही कर सकते हैं तो हमें सबूरी आंटी की क्या जरूरत। दादी ने मुझे आपकी शर्ट आयरन करना सिखा दिया। वो कहती हैं कि मैं आपकी शर्ट आयरन किया करूंगी और वो आपकी पैंट। हाँ, फिर तो मैं वाकई किसी की जरूरत नहीं है। यू आर राइट। हमें बहुत सारा खाना बनाना है, ग्रोसरी कर लें जाकर। छोड़ो इसे, ये देखो ये चावल डालने के लिए कितना अच्छा है। कितनी बोरिंग चीज़ है, देखती हो तुम। चुप करो, इसकी प्राइस चेक करो जरा। फ्रेम भी ठीक ही है। ये देखो, इधर आओ ना जरा, ट्रेस दिखाती हूँ तुम्हें मैं। इधर आओ, अम्मी को ट्रेस चाहिए। ये देखो, घर में फूलों के लिए। ये भी अच्छा। हाँ, कीमत चेक करो जरा। ले ना ले। मुझे ना वो एस्केलेटर पे नीचे जाने से बहुत डर लगता है। मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे ले जाओगी प्लीज? थैंक यू। चले ना बेटा, आपने वो बेबी लोशन क्यों नहीं लिया? आपको पता है वहां सुबह ही खड़ी हुई थी। तो क्या उन्होंने आपको बेबी लोशन लेने से मना किया? नहीं, आपने उनको वहां बुलाया था। नहीं, बहुत ही पक्की लड़की है वो। भाई तुम तो दो दिन से ज्यादा उसके साथ नहीं रह सकती। मैं उसके साथ रह सकती हूँ या नहीं रह सकती ये अलग बात है, लेकिन पक्की तो कहीं से नहीं है। बच्ची है, बस मुझे देख के घबरा जाती है। हाँ, क्योंकि वो जानती है ना कि उसके अब्बा तुमसे शादी करने का सोच रहे हैं। तो तुम ये सोच रही हो ना कि मैं उसके साथ रह सकती हूँ या नहीं, तो वो नहीं सोच रही। अकल इस्तेमाल करो आमना, बच्ची है। कैसी हो बंगन? आया हम, चलो मूवी देखने चलते हैं।
क्यों? क्यों क्या क्यों? मूवी क्यों देखते हैं? और मैं टिकट्स लाया हूँ इसलिए। अच्छा, जब मैंने उस दिन फ्रोजन के लिए इतनी मिन्नतें की थी तब याद है तुमने क्या बोला था? उस दिन मेरा मूड नहीं था। अच्छा, आज हमारा भी मूड नहीं है। तुमसे मैं पूछ भी नहीं रहा। एक्चुअली मैं तो हंगन से पूछ रहा था। चलो मैं और तुम चलते हैं मूवी देखने। राइट फाइन यार, इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। हम चल रहे हैं ना? थोड़ा पहले कहती थी तू कुर्सी से उठना ही नहीं पड़ता मुझे, तो ऐसे ही चलोगे या रेडी वेडी होना? मैं तो रेडी हूं। तुम चलो। ये घर में आज इतना सन्नाटा क्यों? बच्चियां फिल्म देखने गई हैं। अकेली? नहीं, शुएब के साथ। आप भी अगर उनके साथ चली जाती हैं तो शुएब बुरा मनाता है या बच्चियां? अब मैं बच्चियों के साथ नथी होती अच्छी लगती? शुएब अच्छा लड़का है, उन्हीं के साथ बड़ा हुआ है, लेकिन ये बात सब लोग तो नहीं जानते। क्या हो गया? क्या पहली दफा उसके साथ गई है? ईद बकरीद की शॉपिंग से लेके इम्तिहान तक देने उसके साथ जाती है। ये बात शुएब की माँ को समझ आई ना वो समझी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं। सबूही मुझे लगता है कि अब्दुल्ला के रिश्ते के लिए हाँ कह देगी। अगर उसने हाँ कर दी तो मैं फौरन शादी की तारीख पक्की कर दूंगी। अपनी बेटी को कितना जानती हो रोशन? इतना के बगैर पूछे भी मैंने उसके रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो वो इनकार नहीं करेगी। लेकिन ऐसा कभी मत करना, मेरे दिल को बहुत दुख होगा। आपको क्या लगता है? मैं नहीं जानती मेरी बच्ची के दिल में क्या है और आप क्या सोच रहे? निसार साहब, ये जो लड़कों वालों की माएं होती है ना, उनके दिलों में ममता नहीं होती। वो क्या जाने लड़की वालों के दुख को। माल फिल्म माल लोग तो सही। आखिर इस औरत ने किया क्या है? मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ रोशन आपा के पेंस को और तुम्हारे पेंस को। देखो जरा, दो दो जवान बेटियों को उठाकर तुम्हारे साथ सिनेमा भेज दिया। क्या हो गया है? क्यों खामखा में सस्ते सोप्स के बुरे डायलॉग बोल रही हैं? पिछले 15-20 सालों में ना कम से कम 100-150 फिल्म ऐसी होंगी जो हमने जाके इकट्ठे देखी होंगी, तब तो कभी आपको कोई पेंस महसूस नहीं हुआ है। इसलिए कि मैंने अंडरस्टैंड ही अब किया है कि वो चाह क्या रही हैं। अच्छा, वो क्या चाह रही हैं? तुम क्या चाह रहे हो? मैं फिलहाल आपसे इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाह रहा। अगर बहस नहीं करोगे तो मुझे इल्हाम तो नहीं आएगा कि तुम चाह क्या रहे हो। आप मेरी माँ हैं? कोई शक नहीं, मतलब कन्फर्म है, पर आप मेरी माँ हैं। तो आप मेरी माँ हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बेटे के दिल में क्या है, वो क्या चाहता है। कोई फिल्म तो है नहीं कि जिसके इंटरवल से पहले मैं आपके पास आऊंगा और आपको भारी सी आवाज में कहूंगा कि माँ मैं दरअसल नजमा से प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं होता रियलिटी में। आपका फर्ज बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको पता आपके बेटे के दिल में क्या है। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। सब पता है मुझे कि तुम जा क्या रहे हो। होने तो नहीं दूंगी मैं बेटा। इन्हीं हरकतों की वजह से तो तुम बूढ़ी लगती हो। कैसी हरकत है? 1920 की मोनिका देवी की तरह एम्ब्रॉयडरी करती हो, बालों में तेल लगा के,
कस के जूड़ा बांध के सोती हो? आजकल की लड़कियां कहां करती हैं? इसलिए तो इतनी प्यारी हूं मैं। अच्छा खैर, एक बात तो बताओ, ये शेर भाई इतना झिझोर बना क्यों कर रहे थे आज तुम्हारे साथ बैठने के लिए? कौन सा झिझोर बना? मैंने तो कोई नोट नहीं किया। वैसे भी सिनेमा हॉल में इतना अंधेरा था, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तुमने वाकई नोटिस नहीं किया? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे पीछे धकेला है तुम्हारे साथ बैठने के लिए। बाकी कसम मैंने नहीं नोट किया। और वैसे भी कौन सा मेरे बराबर में बैठ के उसने मेरे कान में कोई रोमांटिक शेर पढ़ दिए? फिल्म ही देखी है। तुम्हें पता भी है वो मूवी से ज्यादा तुम्हें घूर रहे थे। तुम बकवास कर रही हो ना? मैं हैरत से मर रही हूँ। बड़ी तुम हैरत से मर रही हो, इतनी अहम बात मुझे नहीं बताई और तुम हैरत से मर रही हो। तो फिर एक काम करते हैं, तबसरा करते हैं। कोई तबसरा नहीं करना, मैंने मुझे नींद आ रही है, मैं सोना है। रुको ना अभी, उठो भाई उठो। तो आप ख्याल रखिएगा अपना, दादी का भी ख्याल रखिएगा और दादी को तंग नहीं कीजिएगा। ओके ओके, बाय बाय, आई लव यू, बाय। बाबा आप कितने दिनों में वापस आएंगे? मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊंगा। अगर दादी की तबीयत खराब हो गई तो फिर आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाइएगा, और अगर आप उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती तो आपके पास दिशान अंकल का नंबर तो है ना, आप उनको बुला लीजिएगा, ठीक है? और कुछ पूछने? Are you sure? Bye. Bye. कैसे? मैं कर सकती हूँ? करके देखोगी तो पता चलेगा। चलो तुम ट्राई करो, देख के देख के देख के। वाह, तुम्हारे हाथ में तो बहुत सफाई है। मैं तुम्हें क्रॉस स्टिच सिखाती हूँ, तुम फिर बड़े मजे मजे की चीजें बना सकती हो। मेरे पास ना एक्स्ट्रा फ्रेम भी है और धागे भी, ठीक है? ये देखो, ये लो। मैं तुम्हें सुई में धागा डालना सिखाती हूँ। तुम्हें पता है मुझे लगता था कि मैं एम्ब्रॉयडरी नहीं कर सकती थे। एक दफा मैं ईद के लिए ना एक एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट लेके आई, और चांद रात पर मुझसे एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा जल गया। मुझे लगा कि आमना तो मेरा इतना मजाक उड़ाएगी, तो मैंने रात के वक्त ना चोरी चोरी खुद ही उस पर वो फूल बना दिया, और वो वैसे ही बन गया। मैंने अगले दिन शर्ट पहन भी ली और किसी को पता भी नहीं चला। बस मुझे फिर पता चल गया कि मैं एम्ब्रॉयडरी कर सकती हूँ। दादी ये देखें। अरे वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत जबरदस्त बना दिया सना, ऐसा तो मैं भी नहीं बना सकती। हाँ दिखाओ, मुझे भी सिखाओ कैसे बनाया ये। इजी ओ।
ये इतना खूबसूरत फूल बनाया तुमने, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे रेड फूल मेरी मम्मा की शर्ट पे भी होते थे। अम्मी याद आती हैं? अब मुझे वो इतनी याद नहीं आती जितने पहले आती थी। जब रात को सोती हूँ तो तब थोड़ी थोड़ी याद आती हैं, और जब खुद से स्कूल के लिए तैयार होती हूँ तो तब भी थोड़ी थोड़ी याद आती हैं। पहले हमें भी बहुत मुश्किल पेश आई थी, कई रिश्तेदारों ने तो यकीन ही नहीं किया कि वो सबूही नहीं है। चौंकी तो मैं भी थी, बहुत शक्ल मिलती है, लेकिन वो लड़की दुबई में होती है और वो शोज भी वहीं से करती है। आप लीजिए ना। लो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाद में आ जाऊंगी। क्या हो गया राबिया? आओ हमारे साथ खाना खाओ। नहीं, आप लोग डिनर ईट करें, अगर मुझे बुलाना होता ना तो पहले ही बुला लेती। मेरा ख्याल है बुरा मान गई। नहीं नहीं, ये दिल की बहुत अच्छी है, मैं बाद में समझा दूंगी इसे। आप लीजिए ना। आप रोटी ले लीजिए। मिर्चें मुफ्त आई थी क्या? अरे अरे अरे, सब खैरियत तो है, क्या हुआ? वहां डिनर्स चल रहे हैं और जिसने रिश्ता तय कराया उसे पूछा तक नहीं किसी ने। क्या कह रही हो, सही से बोलो ना। तबस्सुम बेगम अपनी पोती और अपने बेटे के साथ वहां आई हुई थी। मैं तो उनकी हैप्पी में हैप्पी थी, फिर मुझसे छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई उन लोगों को? अरे आपसे कोई छुपा नहीं रहे, ना ही आपको गैर समझते हैं। वो तो इसलिए कि... इसीलिए तो मुझे नहीं बताया। हा? अब जब कार्ड भेजेंगी तब मुझे पता चलेगा क्या? और करो राबिया बेगम गुड वर्क्स। सुनो ना, वो ये बताओ कि वो सुबोई मान गई क्या? मुझे क्या पता, मैं तो दरवाजे से वापस आ गई। मेरे पास तो जैसे बहुत चॉइसेस है ना, पता नहीं मुझे, लेकिन श्वेब भाई मुझे कुछ इंसान दिख रहे थे। कुछ मुंह से बोलोगी भी? नहीं। तो फिर ठीक है, मैं अम्मी और अब्बू को जाकर बोलती हूँ तुम उस मुन्नी के अब्बा से शादी करने के लिए तैयार हो। अगर मेरी शादी नहीं होती तो कोई कयामत आ जाएगी। बस अब्बू की फिक्रें और बढ़ जाएंगी और अम्मी तो सब छोड़ छाड़ के बिस्तर में ही पड़ जाएंगी। मैं मरी क्यों नहीं जाती? वैसे एक बात बताओ, मुझे ना राबिया खाला की हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। मुझे तो तरस आ रहा है उन पे, वो अपने आप को इस घर का फर्ज समझती हैं। अम्मी ने क्यों नहीं बुलाया उन्हें? पहले कब बुलाया उन्हें, इस बार भी खुद आ जाती है घर के फर्द की तरह। मेरे ख्याल में कि घर का फर्द भी कभी कभी चाहता है कि उसे कोई अहमियत दे। अच्छा, पर मुझे तो ऐसा लगता है उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम उनके हाथ से निकल रही हो। हाँ जी। मेरा ख्याल है सना को अब कोई एतराज नहीं है, हमें बात आगे बढ़ानी चाहिए। आपने सबूई से पूछ लिया है?
उन्होंने पूछ ही लिया होगा क्योंकि उन्होंने हमें खाने पे बुलाया था। अम्मी ऐसे मौकों पे अंदाजे नहीं लगाए जाते, आप प्लीज सुबुई से पूछे बगैर कोई फैसला मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे तुम चाहो। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। तबीयत कैसी है? मैंने पूछा तबीयत कैसी है? अरे कह दो, कह देना ना कहने से बेहतर होता है। क्या चाह रहे हो तुम? हाँ, व्हाट आई से? अरे जो भी दिल में दिमाग में चल रहा है दैट यू से। मैं अभी तक इस बात पे एंग्री हूं कि आखिर रोशन आपा ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, मुझे दूध में से मक्खी की तरह से निकाल के बाहर फेंक दिया। आपको उनसे कोई और तवक्को क्यों थी? क्योंकि मैं उन्हें गैर नहीं समझती, क्योंकि मैंने ही सबूरी का रिश्ता कराया था, क्योंकि मुझे ही सबूरी की फिक्र थी, इसलिए। आपको वाकई सबूरी की फिक्र है? तो और क्या? नहीं नहीं वो क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसकी फिक्र नहीं है, आपको दरअसल इस बात की फिक्र है कि वहां अगर उसकी शादी नहीं हुई तो यहाँ आपका बेटा कहीं उससे शादी ना कर ले। आ गई ना दिल की टोक ज़बान पर। अरे तुम्हारे बाप के मरने के बाद मुझ अकेली औरत ने तुम्हें पाल पोस के हार्ड वर्क्स करके इंजीनियर बनाया, और अब अगर तुमने सबूई से शादी कर ली ना तो उसकी बहन की शादी भी तुम्हें करनी पड़ेगी। मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? क्या होता जा रहा है दिन ब दिन आपको? देखिए मैंने माना कि आपने मुझे पालने के लिए इंजीनियर बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क्स किए हैं, पर क्या आपको उन हार्ड वर्क्स का रिटर्न चाहिए? क्या डाला ना? देखिए मैंने अभी तक इस मामले में ना कुछ कहा है और ना ही मैं कुछ कहूंगा, ये फैसला भी आप ही करेंगी। अच्छा, ताकि सारी जिंदगी आप मुझे इस बात का ताना नहीं मार सके कि आपने मेरे लिए इतने हार्ड वर्क्स किए लेकिन मैंने आपकी मर्जी की शादी भी नहीं की। दादी आंखें खोलो सना, मैं दादी। क्या हुआ, क्या हुआ मेरा बच्चा? सना आर यू ओके? असल में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, एक्सीडेंट के बाद से ये बहुत खौफजदा हो जाती है हर बात से। ठीक हो? आ जाओ मेरा बेबी। आपकी इंजीनियरिंग का कोई फायदा होगा या सीधे ना बुट्टे भुनेंगे? अगर तुम मेरी जॉब के बारे में पूछ रही हो तो 15-16 जगह अप्लाई किया है मैंने, एक आध जगह से अपॉइंटमेंट लेटर आ ही जाएगा, और वैसे भी मस्कत से भी जॉब की ऑफर है मुझे। हाँ तो मस्कत ही चले जाए ना, सबकी जान छूट जाएगी खासतौर पे आपकी। अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है ना कि मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी तुम्हारी जान छोड़ूंगा ही नहीं। तौबा करें शेर भाई, कभी कभी मुंह से निकली बात सच्ची हो जाती है, और वैसे भी मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। अच्छा, अपनी जिंदगी तो बड़ी अजीज है, और ये भंगन सामने बैठी है, इसकी शादी वो जो मुन्नी के अब्बा से तय कर दी उसका कुछ नहीं? क्योंकि आप और आपकी अम्मा। पानी पिलाओ मुझे। मेरे लिए भी लेके आना। उसका सर क्यों खा रहे हो? सीधा मेरे साथ बराह रास्त बात करो। वो बराह रास्त? अब बराह रास्त बात करने की ना कोई जरूरत नहीं है,
फिर चंद दिनों में फैसला हो जाएगा। क्या फैसला? उनकी अम्मा से बात करोगे या खुद ही कोई फैसला? तुम्हें क्या हुआ है? तुम कब से इतनी डायरेक्ट टाइप बातें करने लगी हो? लोगों को मेरी शक्ल उस टीवी वाली जैसी लगती है ना? मुझे मेरी फितरत, वो बातें कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। अरे वाह, बताइए एक ही कमी थी, वो भी पूरी कर दी। ये लीजिए सालन। आज आपके चेहरे बड़ा इतना नजर आ रहा है। बस फरवरी के महीने में मैंने सबूही की शादी कर लेनी है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने आपको सिर्फ इसी मिशन को पूरा करने के लिए भेजा दिया। सच सच बताइए, क्या आपको फिक्र नहीं है? हाँ है, क्यों नहीं, लेकिन इतनी भी नहीं है कि मैं आपकी तरह 24 घंटे परेशान होता रहूं। तो फिर रोशन, खुदा की कसम ये मेरी बेटियां मेरे लिए मोर के परों की तरह हैं। मैं इन्हें सारी जिंदगी अपने कंधे पर उठा के पैदल चलता रहूं तो मुझे इनका बोझ तरह सा ही महसूस। अल्लाह माफ करे, मेरी बच्चियां मुझ पर बोझ नहीं है। अपने अपने घर रानी बनाकर भेजना तो हर माँ का ख्वाब होता है। मैंने भी देख लिया ये ख्वाब। ये ख्वाब देखने का वक्त नहीं है, ये हकीकत का वक्त। और हकीकत यह है कि अब लड़कियों और उनकी माओं को शादी के फिक्र से आजाद हो जाना चाहिए। शादी कोई फाइनल मकसद नहीं है जिंदगी का। मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी अपने घर की हो जाएगी। बस इंशाल्लाह। तो आप उनसे नाराज हो गई? जहां तक मैं जानता हूं उनका मकसद हरगिज आपको डराना नहीं था। वैसे आप मुझे उनके बारे में कुछ समझाना चाह रहे हैं? मैं आपसे उनके बारे में बात करना चाह रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं करनी। ओके ठीक है, नहीं करते क्या? बाबा रुके। जी बेटा। सॉरी बाबा। किस बात के लिए? अम्मी याद आती है? अब मुझे वो इतनी याद नहीं आती जितनी पहले आती थी। जब रात को सोती हूँ तो तब थोड़ी थोड़ी याद आती हैं, और जब खुद से स्कूल के लिए तैयार होती हूँ तो तब भी थोड़ी थोड़ी याद आती हैं। बेटा तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारी शादी करूंगी तो छोटी का सोचूंगी ना। अब खुदा के लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो नखरे मत दिखाना। मुझे ना तुमसे टॉक करनी है। अगर तुमने मुझे ये बताना है कि उस रात को मैंने तुम्हें खाने पर नहीं बुलाया, तुम मुझसे नाराज हो, तो मैं तुम्हें बता दूं मैं तुमसे ज्यादा नाराज हूं। वाय, उल्टा चोर कोतवाल को शाउट करेगा? अरे कौन सा चोर, कौन सा कोतवाल,
मैंने आज तक तुम्हें खाने पर बुलाया, सबसे पहले तो तुम खाने पर पहुंचती हो कपड़े बदलकर, और कभी कभी तो मेहमानों को पता ही नहीं चलता कि तुम मेरी पड़ोसन हो, नांदिया मेरी बहन नहीं। तो आज क्या मौत पड़ गई है? ज्यादा ऊपर से आने की नीड्स नहीं है। अरे सबूई का रिश्ता क्या तय होते हुए नजर आया, तुम्हारे तो तेवर ही चेंजेस हो गए। अरे तेवर तो तुम्हारे बदले हुए हैं जब से शोएब इंजीनियर लगा है। नाक कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई है तुम्हारी। हाँ तो क्यों ना हो मेरा नाक ऊंचा, एक अकलौता बेटा मेरा, उसको इंजीनियर बनाने के लिए मैंने कितना हार्ड वर्क करा है। हाँ अब जब उसे इंजीनियर बना देखती हूँ ना, अरे तो मेरा सर प्राउड हो जाता है। तो हुई ना तुम प्राउड, फिर मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? हाँ हूँ मैं प्राउड। अच्छा ये बताओ सबूई का रिश्ता तय हो गया क्या? एक आध दिन में पता चल जाएगा। बात तय करने से पहले जरा शुएब को जहन में रखना। मुझे तो अंडरस्टैंड ही लेट हुआ कि सबूई ब्याह के किसी और के घर चली जाएगी। हाय मैं तो कितना सैड हो जाऊंगी, मैंने तो हमेशा उसे अपने घर का एक हिस्सा ही समझा था। यहां क्यों रुक गया? किसी के लिए फ्लावर्स लेने। भाई साहब मुझे वो वाले दे दें, वो वाले। यही वाले। ये कर दे। पैक कर दे। श्वेत, श्वेत बेटा वो मैं आप फिक्र नहीं करें, अगर वो ना भी हुआ जो मैं चाहता हूं तो कभी आपको इल्जाम नहीं दूंगा। हाय, ये शर्ट तैयार हो गई है। है, दिखाओ जरा। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, ऐसी तो मैं भी नहीं बना सकती। थैंक यू। यू वेलकम। अब तो तुमने मुझे एम्ब्रॉयडरी सिखानी है, सिखाओगी ना? प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। अच्छा आपके लिए भी मेरे पास कुछ है, दिखाऊं? आप इधर बैठो और क्लोज योर आईज। चलो आंखें खोलो। वाह, मुझे ऐसे ही फ्लावर्स चाहिए थे, इसके बीच में रेड फ्लावर और उसके चारों तरफ व्हाइट फ्लावर, क्योंकि मुझे पता था कि आपको ऐसे ही फ्लावर्स पसंद है। अब देखो ना, हम दोनों एक ही जैसी तो कढ़ाई बनाते हैं, रेड विद व्हाइट फ्लावर। अच्छे लगे? स्मेल करो, इनके लिए भी अच्छा सा वास लेके आते हैं, इसके अंदर पानी डालेंगे और फिर ज्यादा फ्लावर्स ले आएंगे। आपको फ्लावर्स पसंद है? Promise.
We'll be right back.